हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोनैक्सो इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। ये जो एप्लीकेशन है, मैं जो इसकी रेटिंग है आप देख सकते हैं, 3.4 की इसकी रेटिंग है। जो इसके डाउनलोडर है वो 100K+ डाउनलोडर है। मैं अबाउट पर जाकर इसका रिव्यू कर देता हूँ। जैसे मैं अबाउट पर जाता हूँ, इंस्टेंट अप्रूवल 3,000 से लेके 1,00,000 रुपये तक का ये लोन प्रोवाइड करती है। और ये जो लोन प्रोवाइड करती है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है 18% से लेके 36% तक फ्लेक्सिबल ईएमआई रिपेमेंट जो हमें करना पड़ता है। जो ये रिपेमेंट टाइम मिलता है हमारे को 3 मंथ से लेके 12 मंथ तक जो इसका टाइम है वो हमारे को मिलता है। और जो ये देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन है ये जो क्रेडिट स्कोर भी हमारा बिल्ड करती है। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो कॉलेज स्टूडेंट, ये जो लोन एप्लीकेशन है वो कॉलेज स्टूडेंट वालों को भी बहुत जल्दी लोन यहाँ से मिल जाता है। नो इनकम प्रूफ रिक्वायरमेंट, पैन वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड फॉर KYC, कॉलेज आईडी के लिए मैंडेटरी इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपके पास कॉलेज में आप स्टूडेंट हो, अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आपको लिए इंटरनेट बैंकिंग की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। और यहाँ देख सकते हैं सैलरी, जो हमारी मिनिमम सैलरी है वो 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी क्रेडिट टू बैंक, जो हमारी सैलरी है वो अकाउंट में आनी चाहिए। लेटेस्ट पे स्लिप और इंटरनेट बैंकिंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड फॉर KYC। ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको लोन बहुत ही कम चांस है जो यहाँ से मिल जाए। जो ये लोन है सिर्फ सैलरीड वालों और कॉलेज स्टूडेंट के लिए ही बहुत जल्दी अप्रूवल करता है। ये आप देख सकते हैं, आपने सारा कुछ लिखा है यहाँ पे, कंप्लीट ईनच KYC वीडियो KYC। आपको ईनच भी करना पड़ेगा और KYC वीडियो KYC भी करना पड़ेगा। जो इसका अप्रूवल आएगा वो 24 घंटे में आपका जो अप्रूवल है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, सिर्फ स्टूडेंट वालों के लिए ही वर्क करेगी। और सिर्फ सैलरी, जिनके सैलरी 15,000 से प्लस आती है वही इस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकता है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, हो सकता है कि उनको यहाँ से लोन अप्लाई करने में रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर रिव्यू करके चेक करा था। जो मैंने अपना लोन अप्लाई करा था वो मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड में ही अप्लाई करा था, पर वो 2 से 3 दिन में अभी पेंडिंग में पड़ा है। और अगर मेरी एप्लीकेशन से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।